कुछ भी सेफ नहीं है आज। ओह माय गॉड, हमारे पैसे। आप सब लोग थोड़ा दूर रहिए। तो पूरा एटीएम साफ कर दिया। पुलिस, लगता है यहाँ कुछ क्राइम हुआ है। क्या हो गया? कैसे हो गया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप लोग थोड़ा शांत रहिए। भैया, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है? अरे, किसी ने कल रात इस एटीएम में चोरी की है। भैया, थोड़ा साइड दीजिए। तुम ही इस एटीएम के गार्ड हो? हाँ सर। जब चोरी हुई तब तुम कहाँ थे? अपने घर पे सो रहा था साहब। पुलिस को समझ कर रखा है तुम लोगों ने। तुम्हारा काम हम करें और तुम लोग ड्यूटी के समय सोते रहो। देखिए साहब, हमारी ड्यूटी दिन में है, रात को यहाँ कोई और होता है और वो अस्पताल में है। चोर को देखकर घबरा घबरा के बेहोश हो गया था। बेहोश कैसे? ये शहर से क्राइम कब खत्म होगा? पुलिस क्या सो रही है? कब पकड़े जाएंगे चोर? ए, सब शांत हो जाइए। अरे भाई, एटीएम में सीसीटीवी कैमरा होगा ना, उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? सर, सीसीटीवी में चोर तो दिख रहा है पर उसकी मुंडी नहीं दिख रही है। बिना मुंडी का चोर? डरपोक पुलिस वाले। चुप हो जाओ सब। ये तो सिर्फ आधे जूते का निशान है। चलो बाहर देखते हैं। इस पैर का साइज तो 14 इंच का है। चलो सिंपू, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अरे तुम लोगों को कोई काम धाम नहीं है का? यहाँ का तमाशा हो रहा है। जाओ अपना अपना काम करो, हमको ड्यूटी करने दो। जाओ। सारू चोर नहीं, बिना मुंडी वाला भूत है। किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। ओए बकवास बंद करो प्यारे लाल, और वो चोर जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए, समझे? जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग प्यारे अंकल। अंकल, आपको बिना सर वाले थीफ को ढूंढने के लिए कुछ क्लूज मिले? अरे दिया बिटिया, कब से हम कमिश्नर साहब को यही समझा रहे हैं कि वो चोर नहीं भूत है। एक्चुअली मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि चोर 14 नंबर के जूते पहनता है। किसी ने उसके पैरों के निशान देखे थे एट द सीन ऑफ क्राइम। 14 इंच के पैर? इतने लंबे पैर तो सिर्फ भूत के ही होते हैं। अब इस भूत को कैसे पकड़े पांडू? अरे साहब, मैं तो बोलता हूँ जास्ती टेंशन लेने का नहीं। हमारा खुफिया जासूस है ना, वो अपना सब काम कर देगा। चैप्टर क्लोज। दिया ताली। ए पांडो सुन ले, इस बार हम ऐसा नहीं होने दूंगा। केस भी हम सॉल्व करूंगा और क्रेडिट भी हम ही लूंगा, और वो भी उस अनजान शुभ चिंतक से पहले। ये हमारा कमिटमेंट है तुमसे दिया बिटिया। सिंपू, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारा प्लान बी। चिंपू, मैंने प्यारे अंकल को 14 नंबर वाले जूते की बात बता दी है। इस बार वो तुमसे पहले ही केस सॉल्व करना चाहते हैं। इट्स अ चैलेंज फॉर यू चिंपू। अच्छा, प्यारे अंकल मुझे हराना चाहते हैं? ठीक है प्यारे अंकल, मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। Ha ha ha!
लग रहे हो। ये कॉबलर अंकल हमको बता सकते हैं कि 14 नंबर का जूता कहाँ मिलेगा। बेटा, क्या तुम 14 नंबर का जूता बना सकते हो? नहीं अम्मा, 14 नंबर का जूता पूरे शहर में सिर्फ एक ही आदमी बनाता है, वो। शुक्रिया। ओहो हो हो, सुबह सुबह दिमाग का दही कर दिया। इस शॉप का मालिक कौन है? ए, मैं हूँ मालिक, बोल क्या बात है? देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ से 14 नंबर के जूते कौन कौन खरीदता है? क्यों बताऊँ है? देखिए, मैं 3 साल से अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ और वो 14 नंबर का जूता पहनता है। प्लीज, एक बूढ़ी लाचार बेसहारा बदनसीब माँ की मदद कीजिए। ओह, ठीक है ठीक है अम्मा, मत रो, मैं देखता हूँ। हाँ, इसमें 14 नंबर जूते पहनने वाले 2 नाम और एड्रेसेस लिखे हैं, डीके ओझा और सूबेदार सिंह। वैसे आपके बेटे का क्या नाम है? हैं? ए बुढ़िया, रुक! आई ला सर, इस गेटअप में कोई नहीं पहचानेगा अपन को। हमको इस दुकान के मालिक हसमुख से मिलना है। क्यों? क्या करना है तेरे को? आज सभी को हसमुख की पड़ी है। तुम 14 नंबर का जूता बनाते हो, कौन कौन पहनता है वो? बंदर की पूंछ, गधे की सींग, हाथी की नाक, क्या मैं सबको यही बताता रहूंगा कि शहर में 14 नंबर का जूता कौन कौन पहनता है? है? अरे बिल्ला रंगा है, किनको बाहर? सुबह से ये लोग बारी बारी से भेष बदल बदल कर मेरे साथ 14 नंबर का गंदा मजाक कर रहे कितना गरम खोपड़ी का आदमी है ये, अपने आदमियों से पिटवा दिया। साहेब, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। अरे इसका नाम हसमुख किसने रखा? सिंपू, हम 14 नंबर जूते पहनने वाले दोनों अंकल से मिल चुके हैं। एक आर्मी ऑफिसर है और दूसरा जज, दोनों ये काम नहीं कर सकते। हमें इस केस में कुछ नया लिंक ढूंढना चाहिए। सिंपू, लेट्स गो। पांडू, कहाँ ढूंढे उस 14 नंबर जूते वाले को? सर, आइए पार्क की हवा खा ले थोड़ी देर। पांडू, उस लंबू आदमी को पकड़ो। ओए साहेब, कितना लंबा है ये? तुम्हारा जूते का साइज कहाँ है? तुझे मेरे जूते का साइज देखना है? हाँ भाई हाँ, अब तो लिख के देना पड़ेगा। ले देख। भगवान! अरे क्या कर रहे हैं? देख और देखना, ये ले। मार डाला। सर, हॉस्पिटल चले क्या?